तो आज मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ बजट प्राइस में आने वाले टॉप 3 बेस्ट वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर्स, जिन्हें आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो। और इन तीनों के ही लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फुल कंपैरिजन करेंगे इन तीनों ही बेस्ट वायरलेस गेम पैड्स का, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपके लिए इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कॉस्मिक बाइट नेबुला वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर के बारे में। तो ये है हमारे तीन बेस्ट गेमिंग कंट्रोलर्स। एक है कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला नेब्यूला, दूसरा है रेड गियर का जोनिक, और साथ ही में है MK8 का ईवो फोक्स। तो चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अपने इस कॉस्मिक बाइट नेब्यूला वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर के बारे में। तो हमारा ये कंट्रोलर आता है कुछ इस तरह के ब्लैक और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में। सामने की तरफ आपको कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और इसे ऑन करने के लिए आपको पीछे की तरफ एक डेडिकेटेड ऑन ऑफ स्विच मिल जाएगा। और गेम पैड ऑन होने पर आपको इन चार कीज पर बैकलाइट देखने को मिल जाती है, जो कि डेफिनेटली इसको एक प्रोफेशनल फील देती है। उसके अलावा बीच में भी आपको LED लाइट्स मिलेगी, जो कि इसके कनेक्टिविटी और बैटरी चार्जिंग स्टेटस के बारे में हमें बताएगी। यहाँ ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है इसे चार्ज करने के लिए एक microUSB पोर्ट, जहाँ पर आप अपनी कोई भी microUSB केबल को लगाकर इसे चार्ज कर सकते हो। अब ओवरऑल इस पर मिलने वाली कीज की क्वालिटी की ये तो हम बात करें, तो यहाँ पर आपको सभी की सभी कीज काफी बढ़िया क्वालिटी में मिलती है। और इस गेम पैड की सबसे खास बात ये है कि आता है फुल रबराइज टेक्चर के साथ में, और साथ ही साथ ये काफी लाइट वेट भी है, तो ऐसे में इसे होल्ड करना काफी कंफर्टेबल है। गेम पैड में ऊपर की तरफ आपको कुछ इस तरह के ब्रॉड टाइप के एनालॉग ट्रिगर्स मिलते हैं, जो कि प्रेशर सेंसिटिव है और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है। और इसकी प्राइसिंग की तो हम बात करें, तो इस कंट्रोलर को आप अमेजोन से सिर्फ 1600 की प्राइस में परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस रेड गियर के जोनिक वायरलेस कंट्रोलर के बारे में। तो हमारा ये वाला गेम पैड भी आता है ब्लैक और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में, जो कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सामने की तरफ आपको रेड गियर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और इसे ऑन करने के लिए आपको सिंपली इस होम बटन को प्रेस करना है। और गेम पैड ऑन होने पर आपको इन चार कीज पर जो है वो बैकलाइट देखने को नहीं मिलती, आपको यहाँ पर सिर्फ बीच में कुछ लाइट्स देखने को मिलती हैं, जो कि इसके कनेक्टिविटी और बैटरी चार्जिंग स्टेटस के बारे में हमें बताती है। यहाँ ऊपर की तरफ आपको इसे चार्ज करने के लिए एक microUSB पोर्ट मिलता है। गेम पैड में साइड्स में आपको दोनों ही तरफ रबराइज ग्रिप्स मिल जाती हैं, तो ऐसे में इसे होल्ड करना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। हालांकि ये गेम पैड इतना ज़्यादा स्लिम और लाइट वेट तो नहीं है, लेकिन रबराइज ग्रिप्स के कारण इसे होल्ड करना थोड़ा कंफर्टेबल है। अब ओवरऑल इस पर मिलने वाली कीज़ की क्वालिटी की ये तो हम बात करें, तो यहाँ पर भी सभी के सभी कीज़ आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में देखने को मिलती हैं, और स्पेशली इसकी ये जॉयस्टिक और एक्शन कीज़ की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह के ब्रॉड टाइप के एनालॉग ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं, जो कि प्रेशर सेंसिटिव है और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है। और उसके अलावा इसकी प्राइसिंग की तो हम बात करें, तो आप इस वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर को अमेजोन से सिर्फ 1200 रुपये की प्राइस में परचेज कर सकते हो, और इसके भी लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस MK8 के ईवो फोक्स कंट्रोलर के बारे में। तो हमारा ये वाला गेम पैड आता है कुछ इस तरह के ग्रे, रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। सामने की तरफ आपको ईवो फोक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और इसे ऑन करने के लिए आपको सिंपली इसके भी होम बटन को प्रेस करना है। और गेम पैड ऑन होने पर आपको यहाँ पर भी इन चार कीज पर बैकलाइट देखने को नहीं मिलती, आपको सिर्फ बीच में ये चार LED लाइट्स मिलती हैं, जो कि इसके कनेक्टिविटी और बैटरी चार्जिंग स्टेटस के बारे में हमें बताती है। गेम पैड में ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर एक microUSB पोर्ट मिलता है, जहाँ पर आप अपनी कोई भी microUSB केबल को लगाकर इसे चार्ज कर सकते हो। हालांकि इसमें हमें हमारे बाकी दोनों कंट्रोलर्स की तरह साइड में रबराइज ग्रिप्स तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये काफ़ी लाइट वेट है, तो ऐसे में गेमिंग करते वक्त आपको इस पर काफ़ी बढ़िया होल्ड मिलता है। अब ओवरऑल इस पर मिलने वाली कीज़ की क्वालिटी की ये तो हम बात करें, तो यहाँ पर भी आपको सभी की सभी कीज़ जो है वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में मिलती है। स्पेशली इसके जॉयस्टिक की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह के ब्रॉड टाइप के एनालॉग ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं, और ये भी प्रेशर सेंसिटिव है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है। तो चलिए अब बात करते हैं इन पर मिलने वाली बैटरी और इनकी वायरलेस रेंज की। तो हमारा कॉस्मिक बाइट का नेब्यूला आता है 600mAh की बड़ी बैटरी के साथ में, जो कि 2.5 से 3 घंटे में फुल चार्ज होती है। और बैटरी इसकी एक बार फुल चार्ज होने पर आप इससे कंटिन्यूसली 12 घंटे तक गेमिंग कर सकते हो, जो कि डेफिनेटली एक काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप है। और वहीं पर इसकी वायरलेस रेंज की तो हम बात करें, तो इस पर आपको 10 मीटर की वायरलेस रेंज मिलती है। और वहीं हमारा MK8 का ईवो फोक्स आता है 400mAh की बैटरी के साथ में, जिसकी बैटरी 2 घंटे में फुल चार्ज होती है। और बैटरी एक बार इसकी फुल चार्ज होने पर आप इससे कंटिन्यूसली 8 घंटे तक गेमिंग कर सकते हो। और इसकी वायरलेस रेंज की तो हम बात करें, तो इस पर भी आपको 10 मीटर की वायरलेस रेंज मिलती है, जो कि नॉर्मल रूम के हिसाब से बिल्कुल सफिशियंट है।
और वहीं हमारे रेड गियर के जोनिक पर हमें कितनी एमएएच की बैटरी मिलती है ये ना ही इसके बॉक्स पर और ना ही इनकी वेबसाइट पर मेंशन किया गया है। वैसे इसकी बैटरी 2 घंटे में फुल चार्ज होती है और बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर आप इसे कंटिन्यूसली 10 घंटे तक गेमिंग कर सकते हो। और इसकी वायरलेस रेंज की तो हम बात करें तो इस पर भी आपको 10 मीटर की वायरलेस रेंज मिलती है। अब बात करते हैं इनके कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, तो कनेक्टिविटी के लिए तीनों ही आते हैं यूएसबी वायरलेस रिसीवर के साथ में, जहां हमारा कॉस्मिक बाइट का नेब्यूला और M8 का ईवो फॉक्स आता है नॉर्मल साइज यूएसबी वायरलेस रिसीवर के साथ में, वहीं हमारा रेड गियर का जोनिक आता है इस नैनो यूएसबी वायरलेस रिसीवर के साथ में। वैसे आप इन तीनों को ही अपने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी, अपने पीसी, PS3 कंसोल या फिर OTG केबल के थ्रू अपने मोबाइल फोन्स के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब एक एक करके पहले तो अब हम इन कंट्रोलर्स को अपने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के साथ में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इन्हें अपने पीसी के साथ में भी टेस्ट करेंगे। तो इन्हें अपने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको इसके साथ में आए हुए इस यूएसबी वायरलेस रिसीवर को अपने टीवी के यूएसबी पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको सिंपली इस होम बटन को प्रेस करना है और आपका गेम पैड इंस्टेंटली आपके स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के साथ में पेयर हो जाएगा। तो गेम पैड अब हमारा टीवी के साथ में पेयर है और मैं जल्दी से आपको यहां से एक गेम को प्ले करके दिखा देता हूं ताकि आपको इसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा लग सके। तो जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे ये कंट्रोलर स्मार्ट टीवी के साथ में काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। डिले भी हमें यहाँ पर गेमिंग करते वक्त बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता और सभी की सभी चीज़ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। हालांकि गेम पैड में हमें साइड में रबराइज भी उसको नहीं मिलती, लेकिन इसका वेट जो है वो काफ़ी कम है तो ऐसे में इसे होल्ड करना काफ़ी कम्फर्टेबल है और ओवरऑल इस गेम पैड के थ्रू आपको गेमिंग करते वक्त काफ़ी बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और वैसे जिस तरह से इस कंट्रोलर ने हमारे स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पर ये पीसी पर भी काम करता है और हमारा कंप्यूटर इस गेम पैड को एज अ एक्सबॉक्स कंट्रोलर रिकॉग्नाइज करता है। और जिस तरह से हमने अपने M8 के ईवो फॉक्स को अपने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के साथ में कनेक्ट किया था, सेम उसी तरह से आपको इस रेड गियर के जोनिक को भी अपने टीवी के साथ में पेयर करना है। और जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हो कि हमारे ये रेड गियर का जोनिक भी हमारे स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। डिले हमें यहाँ पर भी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती और परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। इस कंट्रोलर में जो साइड में आपको रबराइज ग्रिप्स मिलती हैं उससे इसे होल्ड करना थोड़ा कम्फर्टेबल हो जाता है। जिस तरह से हमारे इस रेड गियर के जोनिक ने हमारे स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के साथ में परफॉर्म किया था, बिल्कुल इसी तरह से पीसी के साथ में भी ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से इस पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मिलती है और हमारे बाकी दोनों गेम पैड से इसका प्राइस भी थोड़ा कम है। तो अब मैंने अपने कॉस्मिक बाइट के नेब्यूला को भी अपने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के साथ में पेयर कर लिया है और इसे भी आप बिल्कुल उसी तरह से अपने टीवी के साथ में पेयर कर सकते हो जिस तरह से हमने अपने M8 के ईवो फॉक्स को किया था। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि हमारे ये कॉस्मिक बाइट का नेब्यूला हमारे स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। परफॉर्मेंस भी इस गेम पैड की काफ़ी बढ़िया है और ये काफ़ी लाइट वेट भी है और ऊपर से इस पर हमें फुल रबराइज टेक्सचर भी मिलता है, तो ऐसे में इस कंट्रोलर को होल्ड करना सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और जिस तरह से ये हमारे स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है, बिल्कुल इसी तरह से पीसी पर भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए अब हम जल्दी से इनके प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स और इनकी वाइब्रेशन को भी टेस्ट कर लेते हैं। और पहले अब हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे अपने इस M8 के वायरलेस कंट्रोलर को और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके जो प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं और उसके अलावा इसमें आपको डुअल वाइब्रेशन मोटर्स भी मिलती है और इसकी वाइब्रेशन फीडबैक भी काफ़ी बढ़िया है। और इसी तरह से हमारे कॉस्मिक बाइट के नेब्यूला पर भी हमें प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स मिलते हैं और ये भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हैं। यहाँ पर भी आपको डुअल वाइब्रेशन मोटर्स मिलती हैं और इसकी भी वाइब्रेशन फीडबैक काफ़ी बढ़िया है। और हमारे रेड गियर के जोनिक पर जो हमें प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स मिलते हैं वो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है। हालांकि इसमें भी हमें डुअल वाइब्रेशन मोटर्स मिलती हैं लेकिन हमारे बाकी दोनों वायरलेस गेम पैड्स के कंपैरिजन में वो मुझे इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं लगी। तो फ्रेंड्स आखिरी में अब हम बात करते हैं कि आपको इन तीनों में से किसकी तरफ जाना चाहिए। वैसे प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस इन तीनों की ही काफ़ी बढ़िया है और बैटरी और वायरलेस रेंज भी इन तीनों पर ही आपको ऑलमोस्ट एक जैसी देखने को मिलती है। और यही तो मुझे पर्सनली इन तीनों में से कोई एक को सिलेक्ट करना हो तो मैं तो कॉस्मिक बाइट के नेब्यूला वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि एक तो इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और दूसरा ये होल्ड करने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और वैसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप इन तीनों में से कौन से गेम पैड की तरफ जाना पसंद करोगे। तो फ्रेंड्स यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।